काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पदभार के बाद रविवार का राजधानी भोपाल में प्रथम नगर आगमन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बने के बाद ट्रेन से भोपाल आ रहे हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया के प्रधानमंत्री के द्वारा लखपति दीदी बनावे के संकल्प लीन कहा। वंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हूँ पूजा। अपना पंचे सब चरण का प्रणाम कही थी, शुरू कही थी बड़ी खबर से। बता दें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पदभार ग्रहण के बाद रविवार का भोपाल में प्रथम नगर आगमन में पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा ट्रेन में पत्रकारन का संबोधित करके कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल से लगातार किसान कल्याण की योजना चलती रहा और ओका आगे बढ़ावे का है। ग्रामीण विकास और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हमा किसान एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखपति दीदी बनावे के संकल्प लीन गा है। जीवन के लक्ष्य महिला का सशक्त बनाओ है। बता दी के केंद्रीय मंत्री बने के बाद शिवराज सिंह चौहान के प्रथम नगर आगमन का ऐतिहासिक बनावे के तैयारी जोर शोर से कीन गए। भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक 65 से अधिक जगह पर भव्य स्वागत कीन गा। जनेवा पूरे भोपाल विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। सजग रही, सतर्क रही, रखी आपन और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। और कृषि को आगे बढ़ाने का काम विश्वास करके प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ग्रामीण विकास और खेती दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विकास का काम भी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को सौंपा है। तो मन में अब एक ही संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 सालों से जो काम चल रहे हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएं। महिला सशक्तिकरण का काम हमारी जीवन का मिशन है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है और लखपति दीदी बनाना उनका संकल्प है। उस काम को भी पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला है और मेरे जीवन का मिशन भी महिला सशक्तिकरण है। इन सब कामों को पूरा करेंगे।